हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आउटलाइन। आउटलाइन कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एकदम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ अच्छे से बताऊंगा। और चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने मोबाइल में वाईफाई या फिर नेट ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे ड्राइंग ग्रिड। ठीक है, ड्राइंग ग्रिड जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने इसी तरह ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे एक इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल करा ड्राइंग ग्रिड मेकर। ठीक है, तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ भी आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे। जो ऑप्शन पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फोटो को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो मैंने चूज़ की, रिश्भा खान, ये टीवी एक्ट्रेस है। ठीक है, तो चलिए इस पर ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चौथे ब्लॉक पर जाएंगे, वहाँ पे आप ग्रेडिंग के बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 26 ब्लॉक बनाए। ठीक है, अब ये ब्लॉक्स जो हैं बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो ब्लॉक जो हैं बड़े बड़े होंगे तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी जो लाइन है उसकी लाइन खूब मोटी है तो उसको पतली कर लेंगे। देखिए लाइन पतली हो गई। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर पर क्लिक करेंगे तो चीज़ें बराबर हो जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। बगल वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये लाइन आपको कलर कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ऑप्शन ढेर सारे हैं, 3-4 ऑप्शन है, जिसमें जो भी आपको सही लगे कलर कर लीजिए। ठीक है, मैंने रेड कर लिया। ठीक, ये एक और ब्लॉक का नया सिस्टम है, यहाँ से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इस पर काउंटिंग भी कर सकते हैं, जो बिगिनर है वहाँ काउंटिंग नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। ठीक है, और फोटो को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप वहीं पर जाएंगे जहाँ ये फ़ोटो सेव है। ठीक है, तो ये फोल्डर एक नया फोल्डर बन जाता है ड्राइंग ग्रिड मेकर के नाम से। तो ये हमारी फ़ोटो पे ग्रीडिंग एकदम सही से अच्छे से बन गई है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो पेपर ये दिख रहे हैं आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पर भी ग्रीडिंग करनी होगी। तो ग्रीडिंग मैंने ये कर ली है पहले से। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, एक एक ब्लॉक जो है 2-2 सेंटीमीटर के होंगे, सारे ब्लॉक जो हैं 2-2 सेंटीमीटर के होंगे, तो आपको भी 2 सेंटीमीटर बनाने होंगे। ब्लॉक को काउंट करते हैं जितने ब्लॉक हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ब्लॉक हैं, तो 8 ब्लॉक को यहाँ से भी काउंट कर लेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कई वीडियो में बताया है, जो लोग देखे होंगे वीडियो को, तो मैं काउंट करके बनाता हूँ, क्योंकि इससे चीज़ें जो हैं आपकी सेंटर में पूरी पूरे A4 साइज़ का जो पेपर होगा उसके बीचों बीच आपकी ड्राइंग बन जाती है, आपकी जो भी पोर्ट्रेट बनाते हैं जिसके भी बनाते हैं बन जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो अगर आपको सही लगता है तो, नहीं तो आप फिर जो है कि वो वहाँ पे जो ऐप में जो लिखने वाला जो काउंटिंग नंबर काउंट लिखने वाला होता है उस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी चीज़ें काउंट हो जाएंगी और आप जो है अपने पेपर पे भी लिख लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस तरह से काउंट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मैंने किया है। और जहाँ पर भी इरेज डबल हो जाए लाइन, वहाँ पर तुरंत इरेज कर लो, जैसे ये भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फेस के बाहर के पार्ट को बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनेगी। और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, थोड़ा सा क्लिप दिखा होगा 1-2-4 सेकंड का, तो उसी तरह से एकदम बनेगा। तो कैसे मैं बनाता हूँ ये सारी ट्रिक जो है आप देखेंगे और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से रियल टाइम में देखेंगे तो आपको सीखने और जानने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही करना है आपको। हेयर कैसे बनाने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जो हेयर है। स्टार्टिंग में बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं कि बहुत जो हेयर होते हैं उसमें एक साइड से भी होते हैं, इसमें कई चीज़ें इसमें आप जो जानोगे सीखोगे। ठीक है, तो आउटलाइन बनाने का ये सबसे आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीके हैं। अगर आप जब सीख जाओगे तो आपको फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आप बना सकते हो। ये जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आउटलाइन बनाने के कई तरीके हैं, जैसे कि आप फ्री हैंड बना सकते हो। ठीक है, आप ग्रिड मेथड के जरिए बना सकते हो, या फिर बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बनाते हैं, जैसे कि वो तुरंत आउटलाइन बनेंगे, तुरंत शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, वो आउटलाइन उसी में शेडिंग करना स्टार्ट वहीं से। जैसे आई बनाए तो आई को ही बनाएंगे पहले पूरा अच्छे से, उसके बाद वो शेडिंग करने लगते हैं। तो सबका अपना एक तरीका होता है। ठीक है, और आपको जब आप बिगनर हो तो आपको एक एक चीज़ को पहले अच्छे से सीखनी होगी, जाननी होगी कैसे बनानी चाहिए। ठीक है, तो हर एक पार्ट को आप अच्छे से बस ब्लॉक में कितनी कौन कौन से ब्लॉक में कौन कौन सी लाइन है, बस वही लाइन अगर आपने बना दिया तो आपकी आउटलाइन एकदम परफेक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम जाता है वो इसमें जाता है, जैसे कि हेयर का ये क्या चीज़ है। अगर आपको एकदम सेम टू सेम बनाना है ऐसे, तो फिर आपको टाइम लगेगा। ठीक है,
कम से कम 20-22 मिनट लगेंगे। तो बिल्कुल आराम से बनाना है, कोई घबराना नहीं है, ठीक है। और बहुत ही एंजॉय के साथ ड्राइंग बनाइए। जब भी आप ड्राइंग बनाए एकदम कूल होकर बनाइए। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप ड्राइंग भी बनाते हो और आपका ध्यान जो है कहीं और रहता है, तो चीज़ें फिर एकदम से ख़राब हो जाती हैं। फिर आपकी जो मेहनत होती है वो दोनों तरफ से ख़राब होती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप ड्राइंग बनाए तो दिमाग जो है आपका एकदम ड्राइंग पे ही रहे, ठीक है, कि कौन सा पार्ट कैसे बनाना है, कहाँ पे है, किस में लाइन खींचनी है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हेयर को देखना कि किस किस पार्ट में है, किस किस एंगल में गया है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। क्योंकि शेडिंग जब करोगे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी, और अगर ये बनी रहेंगे तो आप अच्छे से ड्राइंग को बना सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बस देखनी है, किस ब्लॉक में कौन सी लाइन खींचनी है, कैसे खींचनी है, ये सब बन जाएगा तो आपके भी आउटलाइन एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी लगे कि आपको डबल लाइन खींच गई या फिर थोड़ा सा ज़्यादा आगे पीछे हो गया, तो उसको तुरंत इरेज कर लीजिए। क्या होता है अगर आप इरेज नहीं करोगे तो बाद में जो होगा कि आप उसी पे बना दोगे तो चीज़ें आपकी फिर वो चीज़ें नहीं बन पाएगी, एकदम रियलिस्टिक जो बनाना चाहिए आप जो बनाना चाहेंगे वो चीज़ें बनेंगी नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है और अच्छे से बनानी है, ठीक है। तो ये हमारा फेस का जो पार्ट है, ठीक है, पूरा आकार जो बन गया है। इसके बाद टाइम जो लगेगा वो हेयर में, जैसे फिंगर को बनाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको एकदम चीज़ें जो हैं अच्छे से बनाना है, बस आपको ड्राइंग को देखना है और अच्छे से बनाना है। आप इस ड्राइंग को देखेंगे तो आप, अगर आप पहली बार देख रहे होगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और सेकंड बार देखोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड बार में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, जान जाओगे, आप किसी की भी ड्राइंग बना सकते हो, इस तरह से किसी की भी पोर्ट्रेट अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, और अगर पहली बार देख रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसा बना है। और जो लोग पुराने लोग देख रहे हैं वो लोग जो चीज़ें नहीं बना पाते हैं, जैसे कि कभी क्या होता है कि मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो वीडियो को एक बार देख लेते हैं और वो ध्यान से नहीं देखते, बस ऐसे ही एंजॉय करके देखते हैं, उसके बाद फिर वो बनाते हैं तो कहते हैं सर मुझसे तो नहीं बना, मैंने ऐसे ही बनाया था। तो क्या होता है कि आपने छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकियाँ थी वो देखी नहीं, आपने बस ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ एंजॉय करके आपने देखा होगा, उसके बाद फिर अपने ड्राइंग पे बनाया होगा, या फिर आधा देखा होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा, फिर उसके बाद अपने बनाने लगे होंगे। तो यही लिए आपको 2-3 बार देखनी पड़ जाती है। आप 1-2 बार देखिए, एकदम सही से देख लीजिए कैसे मैं बना रहा हूँ, ये सब चीज़ अगर आप देख लेंगे तो फिर आप अच्छे से बना लोगे। फिर भी नहीं बन रही है तो फिर कहीं ना कहीं आप ध्यान से नहीं देख रहे हो चीज़ों को। आप फ़ोटो को देखो, फ़ोटो में कैसी फ़ोटो, या फिर आप एक गलती करते होगे कि अच्छी क्वालिटी की पिक नहीं लेते होगे। जिसकी फ़ोटो बनानी है उसको अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो एकदम एचडी, जितनी क्लियर फ़ोटो रहेंगी ना आउटलाइन बनाने में उतनी ही आसानी आपकी होगी, ठीक है। क्या होता है कभी कभी कि हम कुछ ऐसी फ़ोटो लेते हैं जिसका फेस ब्लर रहता है, ठीक है। ब्लर होने के बाद क्या करते हैं कि हम आउटलाइन कर तो लेते हैं लेकिन फिर वो चीज़ें शेडिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आउटलाइन ही सही नहीं बनती हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान देनी होंगी। और आप फ़ोटो कहाँ से लें, कैसे लें, ये मैं वीडियो के दिन बना दूँगा, कहाँ कहाँ से अच्छी फ़ोटो मिल जाती हैं, कैसी फ़ोटो एचडी मिलती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं एक अलग वीडियो बना के डाल दूँगा, और क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होती, मुझे भी होती थी, और फिर मैंने बहुत खोजा, 2-4 दिन खोजा, कभी कभी घंटों पूरा दिन लग जाता सिर्फ फ़ोटो खोजने में लग जाता है। आप लोग को भी लगता होगा, मुझे पता है। क्या होता है कि अच्छी फ़ोटो खोजने में आपको टाइम लगेंगे, ठीक है, कहाँ पे फ़ोटो सेफ है, कहाँ से निकालनी है फ़ोटो, कैसे लेनी है। कभी कभी तो हमें मिल जाती हैं, गूगल से मिल जाती हैं, फिर आपको इंस्टाग्राम से मिल जाती हैं, लेकिन और अच्छी क्वालिटी फ़ोटो खोजना हो तो हमें कहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, या फिर फ़ोटो अगर आपके पास अच्छी है थोड़ी बहुत चीज़ें, तो आपको उसको कैसे अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो बनाएं, ठीक है, एडिट कैसे करनी है फ़ोटो को ताकि वो अच्छी हो जाए,
फिर उसके बाद बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक दिन अलग से वीडियो क्लिप बना दूँगा, उसमें आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। फिंगर इसको भी ध्यान से देखना है, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में शेडिंग करते समय। कभी भी किसी की आउटलाइन बनाए तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि फ़ोटो कितनी अच्छी है, और उसमें हर एक पार्ट जो भी है क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, आई नोज और लिप जो है वो क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एक बार हेयर आप 19-20 होगा चलेगा, लेकिन जब जो जैसे कि आई नोज और लिप जो है तीन पार्ट चीज़ें हैं, ये अगर क्लियर नहीं रही तो फिर आपका जो फेस रहेगा वो अच्छे से नहीं बनेगा, और फिर जो चीज़ आप बनाना चाहोगे वो चीज़ आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो फिर आपको गुस्सा आएगा कि यार पूरा टाइम ख़राब हो गया नहीं बना। तो इसलिए आप पहले से ही चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लो और फिर बनाओ, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर कहीं ना कहीं आप सही से चीज़ों को देखते नहीं हो और समझ नहीं रहे हो, बस उसमें वो कमी दूर कर लो तो उसके बाद फिर आप बहुत अच्छे से बनाओगे, ठीक है। जब भी कभी कुछ ख़राबी हो तो मतलब दूसरे में कमी ना निकाल के आप खुद में कमी निकालें कि यार मुझसे ये चीज़ें नहीं बनी, वो बंदे ने तो बना रही थी, उसने तो अच्छा बना लिया था। ये सब चीज़ें आप अपने अंदर देखेंगे कि यार मुझसे नहीं बन पाया ना, तब आप अच्छे से बनाओगे। अगर दूसरे की गलती निकालते रहोगे यार उसने तो ऐसे किया वैसे किया, हो सकता है उसने चीटिंग कर ली हो, तो ये सब चीज़ें मत देखिए। हाँ वैसे उसने बनाया कैसे, ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए अच्छा उसने ऐसे बनाया होगा तो मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप अपने चीज़ों को देखिए और अच्छे से बनाइए। हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो होगा मानता हूँ, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे बनाने लगो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। स्टार्टिंग में सभी के साथ होता है, मुझे भी लगता था यार ये फ़ोटो बनेगी नहीं बनेगी, पहले से बना लेता हूँ उसके बाद बनाता हूँ। तो ये सब चीज़ें दिमाग में जो रहेगा ना तो फिर आप कितनी फ़ोटो में चीज़ें करोगे। कभी ना कभी तो लाइव आओ, जैसे मैं अभी कल परसों दो दिन लाइव आया था तो उसमें भी मुझे बहुत सारी समस्याएं हुई, और क्या होता है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ के कुछ लोग को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और वो डिस्टर्ब करते हैं और वो तरह तरह की बातें बोलेंगे, ऐसी है बना सकते नहीं हो, ये नहीं आता वो नहीं आता, कुछ नहीं होगा इससे, इसको बना के क्या फ़ायदा है। तो बहुत सारे इस तरह से वो लोग क्वेश्चंस करते हैं और फिर क्या होता कि फिर हमारा मुझे अच्छा ही लगता है, फिर उसका तुरंत छोड़ना पड़ जाता है, बंद करो यार सब चीज़ बाद में करेंगे, ठीक है। तो निगेटिव जो होंगे वो जो निगेटिव करने वाले लोग होंगे वो आपको करते रहेंगे, बस आपको ये सब चीज़ें नहीं देखनी है और अपने ड्राइंग पे ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों अब तो सब कुछ बन गया, अब हमें क्या बनाना है, फेस के अंदर के पार्ट को, ठीक है। जो बाहर का पार्ट था वो तो अच्छे से बन गया है, अब हमें बनाना है फेस के अंदर के पार्ट को, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कैसे मैं आई को बना रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है आई, ठीक है। आई अगर आपकी सही से बन गई तो समझ लो कि आपका 50% ड्राइंग बन के तैयार हो गया, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ जो होता है वो आई और नोज, लिप तो आता ही है सबसे टफ, लेकिन ये दूसरे जो पार्ट हैं जो आई और नोज, ये आपको सेंटर में ला के एकदम अच्छे से बनाना है, उसके बाद लिप तो आप बना लोगे। नोज भी टफ है, ठीक है, टफ तो सब कुछ होते हैं, ठीक है। जिसके लिए जो नहीं बना पाएगा उसके लिए तो सभी चीज़ें टफ हैं, और जो बना लेगा उसके लिए कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो मैं आई से इसीलिए स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले आई बनाना है और आई को अच्छे से बनाना है। अगर आपका जो फोकस, अगर वो चीज़ें एकदम अच्छी है, फोकस है कि मुझे ये करना है ना, तो फिर आप अच्छे से कर लोगे। थोड़ा सा भी आप लड़खड़ाए या फिर चीज़ें नहीं बनी तो फिर आप थोड़ा सा डगमगा जाओगे, यार ये चीज़ें नहीं बन पाई, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो फिर आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। आपको बिल्कुल हबाना नहीं है और पूरे टाइम देके अच्छे से बनाना है, ठीक है। जैसे ये आई बनी, आई कितने ब्लॉक में है, ज़्यादातर दो ब्लॉक में है और लास्ट ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। तो दो ब्लॉक इसमें, दो ब्लॉक उसमें, चार ब्लॉक में आपकी आई है, ठीक है। 1, 2, 3 और 2, हाँ ऐसे ही सब में है, दो दो ब्लॉक में ज़्यादा है, एक ब्लॉक में कम रहेगा थोड़ा सा।
ठीक है, तो बस आई को अच्छे से बनाना है। हल्के आधे मैं शेडिंग कर दे रहा हूँ क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छी लगती है, इसलिए मैं शेडिंग कर दे रहा हूँ। लेकिन आउटलाइन बनाने का तरीका जो है, अगर आप ग्रिड मेथड से बनाते हो तो ऐसे ही है, और इसी के जरिए आप अच्छे से किसी की भी पोर्ट्रेट बना सकते हो, अपनी बना सकते हो, मम्मी पापा की बना सकते हो, अपने दोस्तों की बना सकते हो। और अगर आप अच्छा बनाने लगोगे तो आपके पास बहुत सारे काम आएंगे, जैसे मेरे पास आते हैं, ठीक है, आपके पास भी आएंगे। और आप जितना अच्छा बनाओगे आपको लोग उतना अच्छा मतलब फिर उसका रिजल्ट देंगे आपको, ठीक है। मैं पेड़ पर भी करता हूँ, और बहुत सारा ऐसा भी होता है कि जो मैं अपने खुद के इम्प्रूव करने के लिए करता हूँ, ठीक है। तो जिन दोस्तों को पेड़ वर्क बनवाना होगा या फिर किसी को भी अपनी चीज़ें बनानी होगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसी नाम से, वहाँ पे आप मुझे मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। और सीखने के लिए मैं फ्री, सब लोग फ्री में सीखो, कोई दिक्कत नहीं, बता सकता हूँ किसी को भी, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें मैं बनाऊँगा किसी के लिए कुछ चीज़, तो उसमें बहुत सारे मुझे खुद को टाइम देना होगा। उसके बाद उसमें जो जो मटेरियल्स लगेंगे, जो मैं किसी को दूंगा, तो वो सब पेड रहते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप कुछ बना रहे हो मार्केट से भी, किसी की चीज़ें बनवाने जाते हो तो वहाँ से जो चार्जेस लगते हैं, ठीक है, तो आप लोग पता कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा चार्ज लगे या फिर जैसे लगे, आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बी आई हमारी लगभग बन गई है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ थी वो पूरी जैसे कि बनानी थी हमें आउटलाइन, कैसे कैसे ब्लॉग बनाने हैं। जो ब्लॉग दिख रहे हैं आपको, सारे ब्लॉग जो हैं वो 2 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है उसकी, ठीक है, चारों साइड से बराबर होंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप एक काम कर सकते हो कि ब्लॉक को और छोटे कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर कर सकते हो, या फिर आपको कुछ और बड़े उस बनाना है, वो पेपर पे डिपेंड करता है। जैसे कि क्या होता है कि ये पेपर जो है A4 साइज का पेपर है, तो यहाँ हमने बनाया है कितने 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक। अगर ये पेपर बड़ा होता, चार्ट पेपर होता, तो उस पर मैं बनाता 4 सेंटीमीटर के ब्लॉक, ठीक है। तो ये A4 साइज का पेपर है, तो A4 साइज में आपको 2 सेंटीमीटर बनाना पड़ रहा है, तो मतलब आप सोच लो, अगर पूरा चार्ट पेपर होगा तो उसमें A4 साइज मतलब वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उस पर आपको 4-5 सेंटीमीटर के एक ब्लॉक बनाने होंगे, 5-6 सेंटीमीटर का भी, तो 5 सेंटीमीटर से तो कम नहीं होगा, ठीक है, 4-5 सेंटीमीटर का ऐसे ही। तो पेपर के बीचों बीच देखिए, जैसे कि इसमें क्या हो, पेपर के बीचों बीच बन गई ड्राइंग, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आइडिया अगर आपके पास रहेगा तो आप अच्छे से बना लोगे। मेरी जितनी भी ड्राइंग बनती होगी आपने देखा होगा, पेपर के बीचों बीच ही बनती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, क्योंकि वो चीज़ें मैंने नाप के बनाई, जैसे कि फेस का जो पूरा पार्ट होता है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेंटर बनाने के लिए आपको फेस बनाना है। उसके बाद अगर आपका फेस बन गया तो आपकी सारी चीज़ें सब अच्छे से बन जाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब नोज बनाएंगे, नोज बनाने के बाद हम लिप पे वर्क करेंगे। लिप ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। किसी किसी का लिप बहुत ज़्यादा टफ होता है, किसी किसी की नोज बहुत ज़्यादा टफ होती है, आई टफ होती है, इसमें ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, ठीक है, सब आप आराम से बना सकते हो, बस पेशेंस के साथ। ये नहीं कि आप फटाफट बना दिए और चीज़ें ख़राब कर दिए। आप ड्राइंग में जितना टाइम दोगे आपके ड्राइंग उतनी अच्छी बनेगी, ये मैं हमेशा से कहा हूँ और कहता रहता हूँ कि दोस्तों आप टाइम दो ड्राइंग में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेंटर में है, नहीं है सेंटर में नहीं है, यही मैं बोलना था, सेंटर में नहीं है, और ये सेंटर से थोड़ा सा साइड में, मतलब सेंटर के बगल में ही है, मतलब थोड़ा सा साइड में, ठीक है। एक लिप मान लो इस वाले ब्लॉक में है, तो दूसरा लिप का आधा जो पार्ट होगा वो दूसरे ब्लॉक में होगा, ये देखिए, ठीक है, ये दूसरे ब्लॉक में है,
अब देखिएगा बहुत ही प्यारा बनेगा, क्योंकि जब इसको अच्छे से सब चीज़ बना लूँगा ना उसके बाद देखिएगा बहुत ही प्यारा बनेगा। बस एक दो तीन मिनट में और हो जाएगा, दो मिनट के अंदर ये पूरी ड्राइंग बन जाएगी, दो से तीन मिनट के अंदर बन जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसके बाद इसको इरेज करना होगा तो इरेज करने में ही दो मिनट लग जाएगा, और इरेज करने के बाद दो मिनट उसमें लग जाएगा तो उसके बाद सारी चीज़ें बन जाएगी। उसे मैं इरेज को थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दूँगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें देखनी, बहुत खूबसूरत बन रही है, देखिए बहुत ही प्यारी चीज़ें बन रही हैं, सब कुछ लिप बहुत ही प्यारी है। ठीक है, ये देखिए लिप बन जाने के बाद ही आपकी ड्राइंग एकदम अच्छी दिखती है और बहुत ही प्यारी बनी ड्राइंग। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम है ड्राइंग में कि मुझसे ये नहीं बनता सर, मुझसे वो नहीं बनता भैया, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम होगी दोस्तों आप मुझसे बता सकते हो। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, और हो सकेगा तो मैं आपसे बातें भी करूँगा इंस्टाग्राम पे, आपसे बातें करूँगा, या फिर जब मैं लाइव आऊँगा तब मैं आपसे बातें करूँगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे फ्री रहूँगा तो आप कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, उसमें भी जो भी ऑप्शन है, वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हो। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर लेना और मैं वहाँ से आपसे बातें भी कर लूँगा। ठीक है, अब जो चीज़ छूटी, जैसे ये पार्ट यहाँ से छूटा है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या छूटा। देखिए आउटलाइन बहुत ही प्यारी बन गई है। ठीक है, ये यहाँ से जो छूटी हैं, अब जो जो पार्ट छूट गए थोड़े से उसको देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे हल्का सा भी छूट गया था, देखिए ये शेड कर लिया। ठीक, हेयर के पास इसको हम शेडिंग करते समय बना लेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ जी आप भी देखते रहो, जहाँ भी छूटा आपको हल्का लगे वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हल्की हल्की चीज़ें हैं, इसको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे गाल के सबसे निचले पार्ट पे, जो फेस के नीचे सबसे निचले पार्ट पे थोड़ा सा इसको इरेज करके सही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आउटलाइन में एकदम कहीं कोई कमी ना हो, वो अच्छे से बने। ठीक है फ्रेंड्स, इधर से भी थोड़ा सा इसको भी सही कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर के ब्लॉक हैं, जो लाइनें हैं, उसको इरेज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लाइन को इरेज करते हैं अच्छे से, और ध्यान दें कि कई और चीज़ें मिटे ना, बहुत आराम से करना है, नहीं तो चीज़ें आपकी मिट जाएंगी तो चीज़ें फिर आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये आउटलाइन बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हम आपको मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।